बिहार विधान परिषद के उपभवन सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को शपथ दिलाई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार विधान परिषद के उप सभापति रामचंद्र पूर्वे, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा समेत नीतीश मंत्रिमंडल के कई विभागों के मंत्री एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने भी MLC डॉक्टर राज्यवर्धन आजाद को बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में कई विधान पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर सिटी SP अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 अलग अलग मामलों की जानकारी दी। इस दौरान सिटी SP ने बताया कि भागलपुर पुलिस को शहर के इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत भोलानाथ पुल मार्ग से ब्राउन शुगर कुछ लोगों द्वारा ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम का गठन कर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। तलाशी लेने के क्रम में 2 व्यक्ति के पास से 270 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल और 3400 रुपये नकद बरामद किया गया। गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर की पहचान मोहम्मद जिसान खान और मोहम्मद आसिफ खान के रूप में हुई है, जबकि इन दोनों तस्कर के आपराधिक इतिहास का पता लगाने के साथ पुलिस इनके द्वारा की जाने वाली तस्करी के लिंक्स का भी पता लगा रही है। वहीं दूसरा मामला तिलकामांझी थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण कांड से जुड़ा है, जिसको लेकर गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा किए गए अनुसंधान एवं कार्रवाई में अपहृत की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। इसको लेकर सिटी SP ने बताया कि बीते 13 अक्टूबर को दुखनसा का अपहरण अपराधियों के द्वारा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस की विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई और महज 48 घंटे के भीतर भागलपुर पुलिस ने दुखनसा को झारखंड के गुड्डा से सकुशल बरामद कर लिया। सिटी SP अमित रंजन ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता दुर्गेश साह और राकेश पाल को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दुर्गेश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अन्य मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन भागलपुर पुलिस को अवैध शराब की तस्करी कर झारखंड से भागलपुर के रास्ते मधेपुरा ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके बाद टीम गठित कर सवर रोड स्थित एक वाहन शोरूम के पास छापेमारी के दौरान पुलिस ने मारुति सुजुकी कार की तलाशी ली, जिससे 155 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर पुलिस टीम ने तस्कर नीतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तस्करी में शामिल एक फरार लाइनर की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे हैं और ले जा रहे हैं, भोलानाथ पुल के रास्ते से जाने वाले हैं, तो उस पर एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। 2 व्यक्तियों की तलाशी ली गई, उसमें उनके पास से 270 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, 3400 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त हैं वो मोहम्मद जीशान खान और मोहम्मद आसिफ खान हैं। हम लोग इसमें अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का पता कर रहे हैं और जो भी इन व्यापार में संलिप्त हो उनके ऊपर जांच की जा रही है, आगे इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों कहाँ के हैं सर? ये दोनों इशाकपुर थाना के ही, इशाकचक थाना के ही हैं, हटिया चौक के पास से हैं और दोनों से पूछताछ की जा रही है, लोग कहाँ से इस 270 ग्राम ब्राउन शुगर को लेके आए हैं और कहाँ पहुँचा रहे थे। तो सूचना मिली थी कि एक गाड़ी से अवैध शराब का लाया जा रहा है, उसमें एक छापेमारी टीम का गठन किया गया और सवौर रोड महिंद्रा शोरूम के पास चार पहिया वाहन को पकड़ा गया, इसमें 155 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र स्थित मंदिरों के अलावा घरों में भी भक्तों ने माता चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर किया। माँ चंद्रघंटा बाघ की सवारी करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर भय से मुक्ति दिलाने वाली है। माता का यह स्वरूप स्वर्ण के
समान चमकीला, शांति, चंद्रमा की तरह शीतलता, सुख समृद्धि और अत्यंत परोपकारी होने के साथ साहस एवं वीरता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिषासुर ने जब तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया था, तब सभी देवी देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा, पालनकर्ता भगवान विष्णु और महादेव से महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए विनती की। वहीं इसके बाद क्रोधित हुए त्रिदेव के मुख से निकली ऊर्जा से माता चंद्रघंटा का प्रादुर्भाव हुआ और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र एवं शक्तियां प्रदान की। माता लक्ष्मी, सरस्वती और जया विजया को भी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप माना जाता है। माँ पार्वती के रौद्र रूप देवी चंद्रघंटा को कमल और पीला गुलाब फूल की माला अति प्रिय है। इधर दुर्गा पूजा को लेकर शहर में माहौल भक्तिमय हो गया है और हर ओर सप्तशती पाठ मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु एवं पूजा समिति मेला की तैयारी में जुटे हैं, जबकि विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों में प्रतिमा एवं भव्य पंडाल निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आम लोगों की सुरक्षा और कानून का पालन कराने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा कभी आम लोगों के साथ तो कभी आपसी झड़प और विवाद का मामला भागलपुर में अब आम बात होती जा रही है। ताज़ा मामला भागलपुर के औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र का है, जहां यातायात सिपाही और जीरो माइल थाना के होमगार्ड जवान की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों जवानों के बीच की हाथापाई का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे पुलिस विभाग की किरकिरी हो रही है। दरअसल भागलपुर के जीरो माइल चौक पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर को नियमों का उल्लंघन करने पर पकड़कर 7,000 रुपये चालान काटने की बात कही गई। वहीं इसके बाद जीरो माइल थाना के होमगार्ड जवान सिविल ड्रेस में बिना हेलमेट पहने अपनी बाइक से ट्रैफिक सिपाही के पास पहुंचे और वर्दी का रौब दिखाना शुरू कर दिया। इसी को लेकर यातायात पुलिस के एसआई और दो जवानों के साथ होमगार्ड जवान की भिड़ंत हो गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा होमगार्ड जवान के जब्त ट्रैक्टर का 2,000 रुपये का चालान भी काटा गया, जिस पर आक्रोशित होमगार्ड जवान ने यातायात पुलिस को काफ़ी भला बुरा कहा और दोनों पक्ष एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत खिरीबांध गांव से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान दर्जनों गांव से बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए निकाले गए कैंडल मार्च में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और दिशा ग्रामीण विकास मंच के सदस्य शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ सभी लोगों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आने की बात कही। बता दें कि सोमवार 16 अक्टूबर से देश भर में बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर कैंडल मार्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर दिशा ग्रामीण विकास मंच के संस्थापक मनोज पांडे ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। वहीं मोहम्मद साइन अलीस ने कहा कि उन लोगों के द्वारा पूरे भारत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिससे देश भर में इस कुप्रथा पर रोक लग सके। मौके पर काफ़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों ने भी बाल विवाह मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया है। पूरे भारत में एक अभियान चला रहे हैं हम लोग, बाल विवाह भारत मुक्त कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह भी एक कार्यक्रम हुआ था, लगभग 150 गांव में हम लोग ये कर रहे हैं। खास उद्देश्य है कि पूरे भारत में, यानी पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हम लोग चाह रहे हैं कि बाल विवाह पर रोक लगे और भारत जो है वो बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का सपना है हमारा। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मैं सुबोध कुमार, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय बाकरपुर हाजीपुर में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हूँ। मैं
2017 से डायबिटीज का रोगी रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैं उनसे इलाज कराया, तो मैं पूरी तरह से अब स्वस्थ हूँ। बिना दवा का मेरा नॉर्मल रहता है, मैं हर एक चीज़ खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 6 महीना लगा उनसे इलाज कराने में और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी दवा नहीं खाता हूँ डायबिटीज़ का, नॉर्मल है मेरा डायबिटीज, अब नॉर्मल रहता है और मैं स्वस्थ। ऐसा इलाज मैंने पहली बार देखा है, मतलब एक अनोखा इलाज है। मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे जब इलाज कराया तो पूर्ण विश्वास हो गया कि ऐसा भी है जो पूर्ण रूप से आयुर्वेद है, आयुर्वेदिक दवा है। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर भागलपुर शहरी क्षेत्र की अलग अलग संस्थाओं के द्वारा डांडिया और गरबा कार्यक्रम का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अंतर्गत भागलपुर मारवाड़ी महिला समिति की ओर से शहर के एक होटल में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और संस्था की अध्यक्ष सुनीता सर्राफ समेत कई महिलाओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं डांडिया प्रोग्राम में लकी ड्रॉ भी निकाला गया, जिसमें भाग्यशाली विजेताओं को समिति की ओर से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर वीना यादव ने सभी शहरवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में नारी शक्ति की पूजा की जाती है और नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के साथ कई तरह के उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं, जो हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्ष सुनीता सर्राफ ने कहा कि हम सभी नवरात्रि के दौरान मंदिरों और अपने अपने घरों में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जबकि यह हम सभी के लिए उल्लास और उत्सव का पर्व है, जिसको लेकर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन कर कई प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। मौके पर काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां मौजूद रही। ये सभ्यता का प्रतीक है और अच्छाई हो, बुराई हो, नैतिकता हो, अनैतिकता हो, यानी हम लोगों को एक अच्छा संदेश इससे मिलता है कि हर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक अगर है वो दशहरा पूजा है। पूजा करते हैं सब कोई मिल के अपने घर में तो करते ही हैं, कि हम लोग समिति की सारी बहनें भी मिलकर करते हैं और खूब उत्सव मनाते हैं, डांस करते हैं सब। ये कितना देर का प्रोग्राम रहता है? ये हम लोग का 4-5 घंटे का प्रोग्राम है। और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सफाई कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि अस्पताल में सुलभ इंटरनेशनल के आने से पिछले 17 वर्षों से कार्यरत उन सभी सफाई कर्मियों को हटाने की बात कही जा रही है, जिसका वे सभी विरोध करते हैं। सफाई कर्मियों ने कहा कि अपनी नौकरी जाने के डर से उन सभी को अपने और परिवार के भविष्य की चिंता सता रही है। सभी सफाई कर्मियों ने सरकार और मायागंज अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाते हुए कहा कि सुलभ इंटरनेशनल की टीम काम करे और उन लोगों की भी छटनी एजेंसी द्वारा नहीं की जाए, यही एकमात्र मांग उन लोगों की है। साथ ही कहा कि अगर जबरन उन सभी की छटनी की जाएगी तो वो सभी अनशन करने को बाध्य होंगे। हटाया नहीं जाए, छटैया नहीं किया जाए, सब कोई मिल के सब दिन काम किए, सब कोई मिल के करेंगे। मेरा एक स्टाफ जाएगा तो मेरे भाई जाएगा, मेरे बाप जाएगा, सबका घर अंधेरा होगा। हाँ, वो कहाँ जाएगा? हमसे आएगा मांगने कि मेरे घर में खाना नहीं पका है, हमको दीजिए आज चावल का पैसा। कौन देगा? आजकल महंगाई का जमाना में कौन देता है? किसको देता है? कोई देता है नहीं है ना देगा। इसीलिए किसी को हटाया नहीं जाए, हटाएगा तो सब हटेंगे, नहीं तो कोई नहीं हटेंगे। ये है सर कि हम लोग विगत 2006 से यहाँ सफाई का काम कर रहे हैं और इसी में हम लोग का दाल रोटी का आसरा है सर, और हम लोग इतना कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, सब दिन इसी से कमा खा करके खा रहे हैं सर, और इसी से जो है ना अपना बाल बच्चा को शिक्षित भी बना रहे हैं। आज सुलभ इंटरनेशनल वाला सुनते हैं आया हुआ है सर, और वो लोग का कहना है कि हम लोग जो है ना आपके कर्मचारी को छटनीग्रस्त करेंगे। हमारी मांग यही है सर कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है इतना विगत 2006 से जो काम कर रहा है सर, उनको छटनीग्रस्त ना किया जाए। हम लोग सफाई कर्मी हैं, सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं सर, हम लोग का दाल रोटी में इसी आसरा है सर, हम लोग को छटनी सिर्फ बंद किया जाए और कोई दूसरा कोई मांग नहीं है।